नमस्कार, द ग्राउंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन रा। चलो वॉट क्योर में आप सभी का स्वागत करती हूं, जहां हमारे साथ मौजूद होते हैं आपके जनप्रतिनिधि अपनी समस्याओं के साथ, अपने मुद्दों के साथ। तो एक बार फिर से जो है आज के जनप्रतिनिधियों के साथ इस शो का आगाज करते हैं, मिलकर स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का। हमारे साथ मौजूद है सुशीला कटारिया जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका। संतोष श्रीपाल शर्मा जी मौजूद है, स्वागत है आपका। भी स्वागत है आपका। स्वागत करते सबसे पहले सुशीला कटारिया जी, आपके इलाके में, आपके वार्ड में ताजा स्थिति कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी जनता को भी। जनता को तो खैर पता है, मैं सरकार को और बाकी लोगों को बताना चाहूँगी कि सेक्टर जो वार्ड नंबर 9 है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बदतर हालत जो है, गाँव की सबसे बदतर हालत जो है वार्ड नंबर 9 की है। मानो ऐसे लगता है कि वहाँ का कोई पार्षद ही ना रहा हो पिछले 5-10 सालों में। और जिस प्रकार से मेयर वहाँ का बनाया गया था प्रोमिला गजय सिंह कबलाना, उन्होंने कभी भी जाके अपने वार्ड का दौरा नहीं किया। 900 मीटर के दायरे के वादे करके वो इस वार्ड में चुनाव जीते थे, और जिस प्रकार से 900 मीटर की जो तलवार जनता के सिर पे लटकी हुई है, वो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आए दिन वहाँ पे मकानों को तोड़ा जा रहा है। आधी जगह पे मीटर दे दिए गए हैं, आधी जगह जहाँ मीटर नहीं दिए गए हैं वहाँ भी प्रशासन ने अपनी कमाई के साधन ढूंढ लिए। उनके यहाँ छापे मारने का एक खौफ बना के रखा हुआ है, और जहाँ पे मीटर नहीं है, आप देखिए ना कि किस प्रकार से मूलभूत ज़रूरत होती है बिजली, और उस बिजली को यदि अगर हम देशवासियों को नहीं दे सकते, तो हम कहाँ से अपने आप को ये कह सकते हैं कि हमें आज़ादी के 75 साल हो गए हैं। आज भी वहीं के वहीं पिछड़ा हुआ हमारा गुड़गांव मिलेनियम सिटी नाम देने मात्र से नहीं होता है, वो आज भी उतना ही पिछड़ा है यदि अगर हम वहाँ पे लोगों को बिजली नहीं दे सकते हैं। सबसे मूलभूत ज़रूरत जो है बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब है। वहाँ सीवर की समस्या इतनी बदतर है कि लोग आज अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। पुश्तैनी जमीनों को बेच के वो एक सपना लेके शहर में आए थे कि हम एक मिलेनियम सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, साफ सुथरा जीवन देंगे, परंतु वो आज अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे गाँव इनसे लाख बेहतर थे, यहाँ आने से अच्छा होता है कि हम अपने गाँव में ही रहते। आज वो इतना ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, ना वो वहाँ के रहे ना वो यहाँ के रहे, ना वो अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, ना बिजली मिल पा रही है, ना पानी मिल पा रहे हैं। आपको मैं अभी पुरानी एक घटना के बारे में बताती हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है। वहाँ लाइट नहीं थी, किसी व्यक्ति ने अपना तार डाला खंभे पर, जब तार डाला और पता चला कि फ्लाइंग आ रही है, बिजली बोर्ड वाले आ रहे हैं, तो उसने वो उसको हटाने के लिए भागा, क्योंकि बिजली देखो चाहिए थी, उसने तार डाल के ले लिया क्योंकि मीटर प्रोवाइड नहीं थे वहाँ पे लोगों के पास। तो जब उसको हटाने लगा, उसको करंट लग गया, वो वहीं पे ख़त्म हो गया, परिवार का इकलौता वारिस ख़त्म हो गया। आप सोच के देखिए कि एक बिजली छोटी सी ज़रूरत जिसकी उसको चोरी करनी पड़ रही है, और उस चोरी को छुपाने के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी, मतलब पूरा परिवार उसमें से सफ़र करेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें आज वार्ड नंबर 9 के लोगों को आ रही हैं। आप देखिए कितना ठगे गए हैं वो लोग, जिनको कि पहला पार्षद भी उन्होंने कबलाना जी को बनाया, दोबारा उनसे एक उम्मीद रखी कि शायद अब की बार वो कुछ कर पाएंगे, परंतु इस बार भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनता पूरी तरह जान चुकी है, और आप देखिएगा कि किस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में हमने राजनीति को बदल दिया है। राजनीति तो हमने बदल दी है, अब देश बदलना है। इस बार आम आदमी पार्टी को यदि यहाँ की जनता जिताती है, तो दिल्ली की वही सब सुख सुविधाएं यहाँ भी देंगे। यही सब मैं आपको बताऊंगी। जी, हमारी आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारे वार्ड में दर प्रतिदिन बहुत बेहतर हालत होती जा रही है। जैसे कि हमारा सीवर, बिजली, पानी और वायरिंग लटके हुए हैं बिल्कुल, और बच्चे हाथ लगा रहे हैं, किसी बच्चे का कोई नुकसान हो जाएगा तो जो मौजूदा पार्षद रहे हैं हमारे वो तो भरने नहीं आएंगे। और हमारा कहने का मतलब ये है, सेक्टर 4 जैसे है, 4 सेक्टर की रोड जो है इतने टूटे हुए हैं, दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं हमारे वहाँ पर, जैसे कि गड्ढे खुले पड़े हैं, बच्चे उनमें गिर रहे हैं। आज की मौजूदा परिस्थिति ये है कि आज ही सुबह के टाइम में एक ठेकेदार आया हुआ था, और उसको बोला कि भाई ये सीवर का ढक्कन बिल्कुल ओके है, ये बंद नहीं है। उन्होंने आया और थोड़े से उस ढक्कन को तोड़ दिया मना करते हुए। वो कह रहा है मैं आधा घंटा में लगा देंगे, हमारा बजट पास हो रहा है। तो बजट पास हो रहा है तो आने वाले इन ठेकेदार भाइयों को, हमारे वार्ड के मौजूदा पार्षद को ये चाहिए कि भाई कम से कम हम आम जनता का नुकसान ना करके, और जो काम बचा हुआ है उसको करवा लें और इस काम को छोड़ दें। हमारे वहाँ पर हर एक औरत इतनी परेशान है
कि कोई भी हमारा काम कॉलोनी में नहीं हो रहा। पहले हमारे गांव में क्या था कि हम जैसे ही सरपंच चुनते थे पूरा काम उसके घर होता था। अब यहाँ क्या है, सब जाओ तो नगर निगम जाओ या तो फिर इसमें कोर्ट में जाओ। और हमारे वहाँ पर पहले एक उसका ये उद्घाटन हुआ था कम्युनिटी सेंटर का, जो कि 10 साल हो चुके, 2 बार उसके नारियल और ये रिबन कट चुके हैं, आज तक वो कोई समाधान नहीं हुआ है। पता नहीं ये कैसे बरगला रहे हैं, ये बनेगा भी नहीं बनेगा, आने वाली जनता हमारी देख लेगी किसको चाहेगी। और ये जो भी आदमी आगे बढ़े या मेरी रिक्वेस्ट है हमें चुने तो भाई जनता के काम को संभालो और जनता को अच्छी राह पर लेके आओ। नमस्कार, मैं वार्ड नंबर 23 से पूनम यादव। हमारे यहाँ तो समस्याओं का देखें तो आप हैरानी हो जाएंगे, 10 दिन से पानी नहीं आ रहा है शक्ति तक, 10 पीने का पानी, लोग इतने परेशान हैं और इतनी कंप्लेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। रोडें सारी टूटी पड़ी हैं, डेली आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोडों में गड्ढे, गड्ढों में रोड़े, कुछ समय से बाहर हैं, कूड़ों पर जगह जगह कूड़ों पर ढेर हैं। खानसा रोड तो पूरा कूड़े का अंबार है। अनाज मंडी के आसपास अगर आप जाएँ तो गायें भैंसें खुली घूम रही हैं, पूरे जगह जगह कूड़ों का ढेर लगा हुआ है। सेक्टर 10 है की मार्केट पूरा कूड़ादान बन गई है, चारों तरफ से उसमें देखो तो कूड़ा ही कूड़ा आपको मिलेगा। स्वच्छ भारत के बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो और उसके नीचे ढेर कूड़ा देख सकते हो। स्कूल के बाहर खड़े हो तो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों में, और स्कूलों के बाहर आप जाके देखो तो कूड़े के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। और हमारे सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पे बैठे हुए और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं देख रही है, निगम कुछ भी नहीं देख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार कहीं पे भी अभी कामयाब हुई है अपने काम करने में, सरकार पूरी तरह फेल है और सरकारी तंत्र भी पूरी तरह से फेल है। और जो अभी पार्षद है वो भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते, ग्राउंड पे आके कोई काम नहीं करते। तो मैं चाहूँगी कि हमारी जनता सोच बूझ के अपने वोट का प्रयोग करे ताकि अगली बार वो ऐसी सरकार चुन पाए जो उनके में से निकल के आई हो और उनकी समस्याओं को करीब से समझे और उनकी मदद करे। नहीं, पार्षद का कार्यकाल खत्म हो गया तो इसका मतलब निगम तो है ना, निगम को तो सफाई करनी चाहिए, वो तो सरकार का ही हिस्सा है, तो कूड़े की ढेर क्यों लगे हुए हैं? गाय भैंस वो पन्नियां खा रही है, जगह जगह गंदगी है, बदबू मार रही है, मतलब हम कूड़ेदान में रहते हैं, शहर में रहते हैं। अगर आप शहर में रह रहे हैं, इवन आप सेक्टर में रह रहे हैं, सेक्टर की मार्केट का बहुत बुरा हाल है। सेक्टर की मार्केट में जगह जगह बदबू, गंदगी, जगह जगह शौच कर रहे हैं लोग, मतलब इतना। अभी हमारे मोदी सरकार ने वैसे तो शौचालय बना रहे देश में, और आप देखिए कि मार्केट में, मेन मार्केट जहाँ औरतें घूमती हैं, वहाँ जगह जगह आप गंदगी और बदबू से परेशान होकर निकलेंगे। तो कहाँ है वो शौचालय, और वो कहाँ है वो स्वच्छ भारत, कहाँ लगाया मोदी सरकार ने पैसा? मेरा सवाल है जनता से, कहाँ जा रहा है वो पैसा जो सफाई के नाम पे आ रहा है? हमारे टैक्सेस का पैसा कहाँ जा रहा है? देखिए, जितने भी यहाँ पे जितने भी पार्षद हुए, विधायक है हमारे, इन सभी की पोल एक एक घंटे की बारिश, एक घंटा तो ज्यादा है, आधे घंटे की यदि बारिश हो जाती है तो उनकी सारे 5 साल की जो पोल है वो एक एक आधे घंटे की बारिश बता देगी कि हर जगह पानी भरा हुआ है, हर सीवर बैक कर रहा है। और शीतला कॉलोनी का तो इतना बुरा हाल है कि बिना बारिश के भी आप कभी वहां पे जाके देखिए चौक पे तो हर वक्त वहां पानी भरा रहता है। सरकारी स्कूल तो दूर की बात है, वहां कोई मतलब ढंग के लोग ये सोचते हैं कि यहाँ जिन्होंने मकान खरीद लिया उनका जैसे ही बजट हुआ उन्होंने वहां से मूव कर गए कि यहाँ ये रहने लायक जगह नहीं रह गई है। साथ ही वहां पे लोगों की जो अगर किचन में भी जाके देखते तो वहां तक जो है सीवर का पानी पहुंच गया है, सीवर लाइन जो थी वहां पे। मैं सुशीला जी की बात से सहमत हूँ क्योंकि शहर में मतलब देखिए स्कूल में आप बच्चे भेज रहे हैं और पास में कूड़ा है, गंदगी है, बदबू है, और वहाँ हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं ऐसे माहौल में, तो क्या वो बच्चों के लिए अच्छा है? क्या गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है? आप खुद से सवाल पूछ सकते हैं, गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं और काम क्यों नहीं हो रहा है? क्या हमारे पास बजट नहीं है? क्या हम टैक्स नहीं देते? अगर हम टैक्स देते हैं तो पैसा कहाँ जा रहा है? तो सफाई नहीं हो रही, स्कूल नहीं बन रहे, हॉस्पिटल्स नहीं बन रहे, और एक एक इंसान परेशान होकर घूम रहा है, तो गवर्नमेंट किस लिए है? सरकार किस लिए? सरकार हटा दो। और हमारी डिमांड ये भी है कि ठेकेदार का नंबर होना चाहिए, कोई भी वहाँ काम इमरजेंसी होती है तो जो भी वहाँ पे मौजूदा काम करता है उसका बाय रिकॉर्ड हमारी कॉलोनी में होना चाहिए। किसी भी आदमी के पास कॉल करे, भाई ये इमरजेंसी है, अभी होना चाहिए ये काम।
स्वागत है। एनसीटी का जारी किया है कि आप उसको शिकायत उसमें तो 4-6 दिन में शिकायत दर्ज होती है, अपनी मर्जी से आते हैं, ऐसा क्यों नहीं है कि उस ठेकेदार का नंबर हो, उससे बंदों का नंबर हो। अगर हम ट्विटर इंस्टा फेसबुक पे डालते भी हैं तो सिर्फ नंबर और लोकेशन लेके उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती। आप सरकार से एक और बताना चाहूंगी, वो शीतला कॉलोनी जो है, शीतला कॉलोनी जो है वो शीतला माता मंदिर के नाम से रखी गई है, और वो मंदिर जो कि पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा फेमस है, हर वर्ग के लोग वहाँ पहुँचते हैं, हर जाति के वहाँ पे लोग पहुँचते हैं, पूरे हरियाणा के लोग वहाँ पहुँचते हैं। आप मानिए कि इतना बड़ा तीर्थ स्थल, हरियाणा का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जब बच्चा होता है, जब शादी होती है, जब गठजोड़े की जात लगती है, सब वहां से शुरुआत होती है जीवन की। और उसके सामने आप देखिए कि किस सीवर से भरी हुई कॉलोनी है, शीतला माता मंदिर के सामने की कॉलोनी में आदमी रह नहीं सकता। यह मैसेज, एक इस तरह का मैसेज लेके लोग गुड़गांव से निकलते हैं कि हम मिलेनियम सिटी में, क्या इसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है? अब देखिए कि पूरे हरियाणा में वो मैसेज जाता है कि किस प्रकार से भाजपा सरकार पूर्णतः फेल रही है यहाँ पे। और मैं चाहूंगी यहाँ की जनता से ये बताना चाहूंगी कि अब की बार यदि अगर आपके पास कोई वोट लेके आता है, वोट मांगने आता है, तो आप उनसे पूछिएगा जरूर कि आपने पिछले 5 सालों में क्या किया या पिछले 10 सालों में आपने क्या किया। यदि अगर आपको वो अच्छी शिक्षा दे सकते, अच्छा स्वास्थ्य दे सकते, और मैं शीतला वासियों को तो स्पेशल कहूंगी, शीतला कॉलोनी के लोगों को, कि वे 900 मीटर का जो दायरा है उसके बाद वो सबसे पहले करें। ये जो 900 मीटर का जो दायरे की जो तलवार उनके सिर पे लटका रखी है, ये कोई बनाया हुआ एक डर है लोगों के ऊपर, ताकि नगर निगम वहां से लोगों से पैसे वसूल कर सके। एक फ्लोर के वो 20-25 हजार रुपए मांगते हैं, हर फ्लोर से उनको कमाई का धंधा है। इसी यही वजह है कि उस कॉलोनी को पक्का नहीं किया जा रहा है, और मैंने जैसे देखा की 10 सेक्टर में पूरी मार्केट में गंदगी के ढेर है। हमने एमसीडी वालों को फोन किया, जो आपका टोल फ्री नंबर है, वहाँ शिकायत दर्ज की। 3-4 बार शिकायत दर्ज करने के बाद उन लोगों से मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, फिर उनको बुलाया मैंने, और बुला के वहाँ सफाई कर दी। वो सफाई चलो एक बार हो जाती है, पर हमें बार बार फोन क्यों करना पड़ता है? वो उनका काम है, उनको खुद से करना चाहिए। वो खुद से काम क्यों नहीं करते? इसको सुपरविजर कोई क्यों नहीं करता? अब हर रोज मैं जाके खड़ी हूँ, कोई दूसरा इंसान जाके कंप्लेंट करे, ऐसा तो नहीं है। वो उनका डेली का काम है, उसके लिए उनको पैसा मिलता है, तो उनको अपना काम जिम्मेवारी से करना चाहिए। देखिए, इसमें ये पता चलता है कि सरकारी तंत्र फेल है, काम नहीं करना चाहता। तो हर समय हम या तो फोन करते रहे उनको, या फोन करके उनको बुलाते रहे, तो ये तो पॉसिबिलिटीज नहीं है ना कि हर बंदा बस उनको फोन करे, फिर रोज बुलाए, रोज सफाई करवाए और खड़ा दे। तो ऐसा एक सिस्टम चाहिए कि वो अपना काम रूटीन से खुद से करे, ऐसा सिस्टम चाहिए। जी बिल्कुल, जनता के लिए हम समय समय पे आवाज उठाते हैं, और प्रशासन से कहते हैं कि यहाँ की जो कार्रवाई है की जाए, यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जाए। बिजली के मीटर नहीं दे पा रहे हैं, तो आप इन कॉलोनियों को या तो तुड़वा दीजिए, हमेशा के लिए इनको खत्म कीजिए, इस प्रकार से ना कीजिए। और साथ ही अगर हमसे जितना बन पाता है, हम विपक्ष में रह रहे हैं, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, वरना जो हमारे हाथ में होता है, कहीं अगर हमारा मन आज कोई त्योहार है और हम लोग अपना अपनी जेब से जितना हम लोग सफाई कर सकते हैं। पिछले 10 दिन हमने लगातार सफाई अभियान को वहाँ पे किया, और ये सफाई अभियान जो जिस मुद्दे को लेकर भाजपा आई थी कि स्वच्छ भारत अभियान, इसके पोस्टरों पे जितना खर्च हुआ, अगर उसका आधा भी अगर सफाई पे खर्च हो जाता, तो शहर हमारा शहर बहुत सुंदर हो सकता था। साथ ही मैं आपका ध्यान एक तरफ और बताना चाहूंगी, जिस प्रकार से आज के समय में हमारे यहाँ पे स्कूल का जो मुद्दा है बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप मानोगे कि हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय, तो पूरे विश्व में हम लोग किस समय में जाने जाते थे शिक्षा को लेके, परंतु आज कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। तो मैं सरकार से गुहार करती हूँ कि इस प्रकार से हमारा देश, जहाँ प्राचीन समय में शिक्षा को लेके इतना माना गया था, पूरे विश्व में जिसका नाम था, तो आज कम से कम सरकारी शिक्षा तो हम लोगों के बच्चों को मिल पाए, इस तरह की व्यवस्था को जरूर रखना चाहिए। और शहरवासियों से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि धर्म की राजनीति से दूर हटके शिक्षा के विषय पे जो आके आपसे बात करें, स्वास्थ्य के विषय पे जो आके बात करें, सफाई के बारे में जो बात करें, बिजली पानी की जो आपकी मूल जरूरतों के लिए बात करें, उनके साथ आप जुड़िएगा। इस प्रकार से धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को ये अपने लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दीजिएगा कि अब हम जागरूक हो चुके हैं। संतोष जी, अपने वार्ड में अपनी जनता क्या क्या है आपका? अपनी जनता के लिए जैसे लाइट,
पानी किसी भी समस्या के लिए मैं निगम से कॉन्टैक्ट करती हूँ और काम करा लेती हूँ। मौजूदा पार्षद का राइट ये बनता है कि मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया, ये बस ये इतना ही काम होगा। उन्होंने ऐसा चाहिए कि हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया तो अगला इलेक्शन भी लड़ना है। उन्होंने क्या, हमने बहुत कर दिया, हमारा कार्यकाल ख़त्म हो गया है। जब एक सामाजिक आदमी का कार्यकाल कभी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होता, हम सामाजिक लोग हैं, काम करते रहेंगे और अब भी कर रहे हैं और आगे के लिए भी। हमने ये कहा है कि आप हमारी कॉलोनी में 10 या 11 बूथ दीजिए, ऐसे होने चाहिए कि जो भी पार्षद चुना जाए उसका कम से कम ब्यौरा होना चाहिए हमारी कॉलोनी में। किसी भी पार्टी से आए, हमें इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि भाई कम से कम हमारी कॉलोनी में बुद्धिजीव ऐसे होने चाहिए कि भाई काम करा सके, उसका कम से कम एक नज़र उस पर ऐसी होनी चाहिए कि कर क्या रहा है, वो कर कुछ और ही रहा है। सीवर पानी के लिए उनके पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा कार्यकाल ख़त्म हो चुका है, हम क्या करें। नगर निगम से इनका कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है वहाँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कूड़े का ढेर है इसमें। हाँ, क्या इस समस्याओं की वजह नगर निगम का चुनाव? ये देखिए, ये तो बिल्कुल ट्रू है कि अगर जितनी लेट नगर निगम का चुनाव होगा उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अभी सफाई कर्मी भी हड़ताल पे हैं, उसकी तरफ भी सरकार कोई रुख नहीं कर रही, जिसकी वजह से गंदगी के ढेर और बढ़ते जा रहे हैं। और स्वच्छ भारत कहीं पर नहीं दिख रहा, स्वच्छ भारत से स्लोगन बन के रह गए। मैं तो अभी कहीं भी निकलती हूँ, स्वच्छ भारत के बैनर इतने बड़े बड़े हैं कि हमें लगता है कि इतना पैसा उस पर लगाया, नीचे सफाई कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। तो चुनाव जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी सरकार बनेगी, दोबारा से लोग जनप्रतिनिधि आएंगे और काम को संभालेंगे। सफाई कर्मचारी की हड़ताल की अपने बात की, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और आज जो है सफाई कर्मचारी कई नगर पालिका कर्मचारी वो पहुंचे थे विधायक से मुलाकात करने सुधीर सिंह लड़के से, पर उन्होंने मुलाकात नहीं की और वो अभी तक घर का उनकी आवाज़ का जो खराब कर रहे हैं। सुशील जी क्या कहते हैं? इन लोगों को मुझे लगता है शर्म बिल्कुल नहीं आती है, हर जगह इनका घेराव किया जाता है, परंतु ये इन्होंने जो सत्ता की मलाई थी वो खा चुके हैं। इन्हें पता है कि हमें आगे तो जनता चुनाव में लाने वाली नहीं है, तो ये लोग अब अपना मुंह छुपा के अपने घर में बैठे हैं और इसीलिए यही वजह है कि चुनाव से ये भाग रहे हैं। आप देखिएगा कि एक साल हो गया है कार्यकाल खत्म हुए, नवंबर में कार्यकाल खत्म हो गया तो दोबारा नवंबर आ गया है। ये लोग चुनाव कराने के कतई मूड में, ये लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता बहुत भोली भाली है, परंतु इस बार का जुमला जो है वो बहुत बड़ा है और जनता भूलेगी नहीं, और 24 के चुनाव में इनको वोट की चोट से जनता बता देगी कि जनता भोली जरूर है परंतु भूलती नहीं है, जो इन्हें भूलता है वो जनता इनको भूल जाती है। क्या लगता है क्या होगी असली वजह, फिर चुनाव क्यों नहीं हुए? मुझे लगता है कि चुनाव आयोग अभी मतलब पूरे मूड में नहीं है और इनका ये वोटर वगैरह का सिस्टम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक बार हर वार्ड की चेकिंग हो जानी चाहिए, किसके पास कितनी वोट है, कैसे डलेंगी, किसकी नई बढ़नी है, किसकी कटनी है। जो लोग हमारे एक्सपायर हो चुके हैं उनकी वोट कटनी चाहिए, पूरे एरिया में ये चेकिंग होनी चाहिए, मेरी यही अपील। ठीक है, लेकिन असली वजह पूछना मुझे, मैं आपसे आप क्या लगता है असली वजह क्या होगी चुनाव में देरी की? जनता भुगतती है चुनाव में डिले होने का, कि सिंपल देरी का कारण बीजेपी की साफ नीयत नहीं है। वो चुनाव जानबूझ के डिले कर रही है, वो अपनी खामियां छुपाना चाहती है और इसी वजह से वो चुनाव को डिले कर रही है। और यही नहीं, पूरे नहीं, पर ये वार्ड बंदी के नाम पे तो डिले किया जा रहा है, पर सरकार की नीयत साफ नहीं है। जगह जगह तो वार्ड बंदी हो जानी चाहिए थी, आप अपना एक वार्ड बंदी का काम नहीं कर पाए तो बाकी काम कहाँ से करेंगे? आप देखिए ना, आशा वर्कर्स कितने टाइम से हड़ताल पे है, इधर सफाई कर्मी भी हड़ताल पे है, किसान भी हड़ताल पे, युवा भी हड़ताल पे, पूरा देश हड़ताल पे रहेगा तब ये चुनाव करेंगे। सब लोग सरकार हटाना चाहते हैं और इनको क्लियर पता है कि लोगों के मन में क्या है, वो चाहते हैं कि अभी परिवर्तन, और सरकार इसीलिए डिले कर रही है कि कुछ भी करके वो चुनाव जीतना चाहती है, तो वो अपने चीजें प्रिपेयर कर रही है कि हम कैसे भी साठ रणनीति तैयार कर रही है ताकि वो हिंदू मुस्लिम करवा सके, जैसे कि मेवात में कराया, ऐसा कुछ ढूंढ रही है कि हिंदू मुस्लिम करा के और उस वक्त चुनाव किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता बहुत इमोशनल है, अपने धर्म के प्रति बड़ी जागरूक है। परंतु मैं आप लोगों के माध्यम से ये जनता को बताना चाहती हूँ कि हम सभी के घर में राम है, सभी हम राम भक्त हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति आके अगर आपसे कहता है कि हम सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, तो हम सभी सनातनी हैं और हम सब सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। सनातन धर्म खुद अपने आप में इतना सक्षम है कि उसकी रक्षा की किसी को जरूरत नहीं है। 800 साल मुगलों ने राज्य किया तब ये खतरे में नहीं आया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया तब ये खतरे में नहीं आया, परंतु पिछले 8 सालों में
भाजपा के आने के बाद न जाने ऐसी कौन सी हवा चली कि हिंदू धर्म इतना खतरे में आ गया है। हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में इन्होंने खौफ बैठा दिया है कि हिंदू तो खतरे में है। साथियों, मैं आप सभी को बताती हूँ कि हिंदू तो ना खतरे में था, ना है और ना कभी होगा। तो आप धर्म के नाम पे यदि अगर कोई वोट मांगने आए कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा, तो उससे कहिएगा धर्म की रक्षा तो हम खुद कर लेंगे। आप ये बताइए कि हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए आप क्या करोगे, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे हमें बिजली देने के लिए क्या कर सकते हो, और इस महंगाई जिस महंगाई के मुद्दे को लेके आपको चुना गया था वो उस मुद्दे के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इन सब सवालों को जब आप पूछोगे तो उनको खुद ब खुद उन्हें समझ आ जाएगा कि जनता जागरूक हो चुकी है। देखिए, जनता से मेरी भी एक अपील है कि जनता धर्म के नाम पे वोट ना देके विकास के नाम पे। एक सवाल में ना, और आप तीनों से है क्या, आप खुद जो है एक दावेदार हैं, पार्षद की दावेदार हैं, आपका अपना विजन क्या कहता है? एक ही करके मैं सवाल लूंगी, आपका अपना विजन क्या कहता है आज की परिस्थितियों को लेकर? शुरुआत करती हूँ मैं सुशीला जी आपसे। आज की जो परिस्थिति है उसको देख के मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने वार्ड के जो चेहरे हैं उनको देख के वोट कीजिए। जो आपके बीच का हो, जो नेता ना हो, जो अपने आप को नेता कहता हो, उनके उनको कभी भी आप ना चुने, क्योंकि पार्षद कोई नेता नहीं होता, वो जन सेवक होता है। और आपको जन सेवक ढूंढना है, ना कि पार्टी के जो बड़े नेता है उनके चेहरे को देख के। भाजपा हमेशा मोदी के चेहरे को देख के वोट मांगती है। तो आपसे अनुरोध है कि मोदी आपके यहाँ आके काम नहीं करेगा, आपका पार्षद आके आपके यहाँ पे काम करेगा। आप पार्षद को देख के वोट दीजिए जो आपके बीच में रोज आता हो। पार्षद चुनाव इसलिए लड़ा जाता है कि वो एरिया इतना सा होता है कि एक व्यक्ति उसको रोज घूम सके, रोज नहीं तो 3-4 दिन में उसका दायरा ले सके, लोगों से मिल सके। यदि आपका पार्षद आपके बीच में पिछले 5 सालों से एक बार भी नहीं आया है, इसका मतलब वो बड़ा नेता है। पार्षद लड़ने का चुनाव नहीं है उसका, उसका मकसद कुछ और है। आप नेता ना चुनिए, जन सेवक चुनिए। मैं आपके माध्यम से यही जनता को बताना चाहूंगी। हाँ जी, मेरा कहना ये है कि जो भी लेडीज सीट आती है उन पे लेडीज को तो चुनाव लड़ा देते हैं और उसकी राजनीति जेंट्स करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता, तब वोट मांगते हैं तो औरत हाथ जोड़ती है और राजनीति करते हैं, या कहीं काम करते हैं तो जेंट्स करते हैं। जिसने भी मतलब वोट देनी है तो एक औरत के नाम पर अगर वोट दी जाए तो औरत को ही काम करना चाहिए। हर आदमी ने ये समझ लेना चाहिए कि भाई कौन कैसा है, उस चेहरे को देखो, उसकी बैक देखो, उस पर कोई क्रैप्टेड इल्जाम ना हो वो देखो। और काम वही आदमी कर पाएगा जो राजनीति ना करे और काम नीति करे। हमारा काम नीति में विश्वास है, ना कि राजनीति में। जो भी आता है वो राजनीति करके बैठ जाता, वो समझता है यहाँ का मैं राजा बन गया, परमानेंट 20 साल तो मेरे निकल ही जाएंगे। जब तक जनता को पता नहीं चलता अच्छे से, जनता भोली भाली ऐसे ही हमारी उनके पीछे लगी रहती है। जब जनता को अच्छे से पता चलता है तभी जनता उनको नकारती है। उससे पहले बस यही है कि बैठाए रहते हैं, बैठ के बना रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये बैठक बनेगी और लेडीज इतनी आगे नहीं आएंगी तो समाज में ये गंध मिटेगा भी नहीं। देखिए, मैं कहना चाहूंगी जनता को कि साफ छवि वाले लोगों को चुने, अपने बीच से निकले हुए लोगों को चुने, अपने लोकल जनप्रतिनिधि को चुने, बड़े नेताओं पर ना जाएं। क्योंकि अगर आप पार्षद के चुनाव की बात करेंगे तो मेरा कहना यही रहेगा जनता से कि उन लोगों को चुने जो उनके बीच से निकल गए हैं, जिनको वो जानते हैं, जो रोज उनके बीच में आते हैं। एक बार पार्षद बन जाए और शक्ल ना दिखाए, आके देखे ना गली में कूड़ा पड़ा है या सफाई है, तो फिर ऐसे पार्षद की किसी को जरूरत नहीं। साफ छवि के स्वच्छ लोगों को जो आपके लिए मेहनत करने को तैयार है, जो डे नाइट आपके साथ खड़े होने को तैयार है, जो आपके एरिया में काम करने को तैयार है, उन लोगों को लेके आए ताकि आपके यहाँ पे विकास का काम हो सके। ये तो पार्षद चुनने की बात है, मैं समस्याओं की बात कर रही हूँ। क्योंकि आपने भी कहा कि आपके इलाके में समस्याओं का अंबार है, तो इन समस्याओं के समाधान के लिए आप क्या कहेंगे, आपके विषय क्या कहता है? समस्याओं के समाधान के लिए हमें, मैंने बताया जिस प्रकार से, कि हमें वो व्यक्ति चुनना चाहिए जिस जो आपकी पहुंच पे हो, जो आपके एक फोन कॉल पे पहुंच जाए। जब भी आप उनके घर जाओ तो वो आपको आपसे मिल पाए, आपकी बात को सुन पाए, इतना व्यस्त ना हो कि वो आपके पहुंच से दूर हो। तो अगर यह ऐसा व्यक्ति अगर हम चुनते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर आपकी नज़र में रहेगा तो वो आने वाले 5 सालों में आप उसको उससे काम करवा सकते हैं। और काम करने के लिए पार्षद खुद नहीं निकलेगा, उसको एक टीम मिलती है जिसको कि वो काम पे लगा सकता है। जैसे कि भाजपा ने इस प्रकार से यहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं बताती हूँ कि अगर हमारे वार्ड के लिए 100 कर्मचारी मिले हैं सफाई के लिए, उनमें से क्या होता है कि अपने ठेकेदारों को बोल दिया जाता है कि आप 10 लोगों की तनख्वाह लीजिए,
10 लोगों से आप पूरा वार्ड साफ करवाइए। आप देखिए ना कि जो काम 100 व्यक्ति कर सकते थे वो 10 आदमी कैसे कर सकते हैं। सफाई कर्मचारियों की गलती नहीं है, यहाँ सीधा सीधा जो ठेकेदार प्रथा यहाँ पे चली आ रही है वो ठेकेदार जो है बीच में अपने 100 व्यक्तियों में से 10 से काम करवाते हैं, बाकी की तनख्वाह अपनी जेब में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूंगी कि एक ईमानदार व्यक्ति को चुनिए ताकि जिसको ये हो, अपने वार्ड से प्यार हो, अपने सफाई से प्यार हो, और वो चाहे कि मैं अपने वार्ड वासियों के लिए कुछ ऐसा करूं जो कि आने वाले सदियां भी याद रखे कि इस वार्ड का कोई पार्षद था जिसने सफाई कराई, जिसने पैसे के लिए नहीं लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ा था और वो काम उसने उसके बाद किया है। और मैं बता दूं कि अगर यदि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ से चुनाव लड़ के जीतती हूँ तो आने वाले आगे जब भी कभी चुनाव होंगे मुझे आपके घर वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरा काम बोलेगा कि मैंने काम किया है और आप अपने आप खुद ब खुद मुझे वोट देंगे। जैसे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को हर बार जनता ने जिताया है, वो अपने काम की वोट मांगते हैं। मैं भी आगे से प्रण लेती हूँ आज इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि मैं शीतला माता के यहाँ अगर मेरा घर है तो मैं उनकी कसम खा के कहती हूँ यदि मैं यहाँ से चुनाव जीतती हूँ तो जनता के लिए उसी प्रकार से काम करूंगी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। मेरे अंदर भी एक छोटा सा अरविंद केजरीवाल रहता है और मैं चाहती हूँ कि उसी ईमानदारी के साथ मैं पार्षद होके आप लोगों के काम कर पाऊँ। ठीक है संतोष जी, समस्याओं की तो बड़ी बात हो गई, समाधान की बात करते हैं। अगर जनता ने आपको चुना तो आप समाधान क्या? बिल्कुल अच्छे से समाधान करेंगे। जैसे सीवर बिजली पानी का है, कोई भी औरत हमारे घर आती है तो हमारा इतना राइट तो बनता है, उसको आश्वासन दे करके 10-5 दिन दे उसके साथ काम कराएं, हम ना जा पाए अपनी टीम को भेजें, किसी मेंबर को भेजें आगे जा करके। उन औरतों को ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारे वार्ड से जाते हैं तो काम कहाँ हो रहा है, वो घूमती रहती है कहाँ हो रहा है ये काम, कहाँ हो रहा है काम। तो हमारे एक मौजूदा पार्षद का या प्रतिनिधि होने का उनको ये होना चाहिए कि भाई मैं जाऊँ और उस काम को वहाँ अपने नाम से ही करवा पाऊँ कि मैं उस वार्ड का प्रतिनिधि हूँ और भाई इस औरत का काम कर देना। जो सिंपली एक इन्होंने मैन बाती और क्या कर रखी है 15 साल का ये लगा रखा है, उससे पहले उनका कोई काम नहीं होता। हमारा आधार कार्ड है, हमारे प्रशासन ने ये काम कर देने चाहिए, उनकी पेंशन बना देनी चाहिए, पीछे बैक हिस्ट्री उनकी चेक कर लेनी चाहिए। ये जो काम है ये तो हो ही नहीं रहे हैं और सबकी आइडिया खराब है। तो आईडी अगर आपकी गलत है तो आप अपने ही वार्ड में एक सीएससी सेंटर कैंप लगवाओ या परमानेंट लेके आओ। उस पार्षद की ये जिम्मेवारी बनती है कि वही सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए। पार्षद तो देखता ही नहीं है अपनी गली में अपने मोहल्ले में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कम से कम 1000 आदमी तो ये कहने वाले वहाँ मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं। हर बार इनकी नेम प्लेट लगती है फटती है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जब हमारे पास इतनी बड़ी टीम है तो उसको है ना देख रेख के लिए भी है कि कौन बोर्ड पाट रहा है, कौन आवारी है, नेम प्लेट पाट रहा है, ये रोज का इतना नुकसान हो रहा है ये मुझे सहन नहीं किया जाता। ठीक है, समाधान आप कैसे करेंगे अपने वार्ड? देखिए अगर मैं आती हूँ सत्ता में तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे पास पर्याप्त बजट होता है हर वार्ड के पास काम करवाने के लिए, लेकिन लोगों की नीयत नहीं है काम करने की। अगर वो पैसा ढंग से और ढंग के कामों में लगाया जाए तो सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इतना मुश्किल नहीं है समस्याओं से निपटना, बस आपको देखना होगा जमीन पे जाके कि लोग किस चीज़ से परेशान हैं। और बजट का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इतना आयकर, इतना रेवेन्यू गुड़गांव में आ रहा है कि हमारी निगम के पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। तो मैं अगर आती हूँ तो मैं मेरी पार्टी की विकास की नीति पर चलते हुए, हमारी पार्टी की विचारधारा है कि सबसे निचले स्तर के व्यक्ति का भी काम होना चाहिए, सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जन सुविधाएं एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। आप देखिए दिल्ली में जाइए वहाँ के वॉशरूम, जो पब्लिक वॉशरूम है वो भी इतने क्लीन मिलेंगे आपको, और यहाँ पर आप देखो वॉशरूम अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। साथ में एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली में जिस प्रकार से हर काम ऑनलाइन कर दिया गया है, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये सब चीजें पार्षद की जिम्मेवारी बनती है कि वो उनको करवा के दे। दिल्ली में हर काम आपके घर आ जाएगा होने के बाद। तो इस तरह की सुविधाएं अपने हरियाणा में भी हो सकती है यदि आप लोग आम आदमी पार्टी का साथ। देखिए विकास की सोच होगी ना तो सारे काम पॉसिबल है, अगर हमारी सोच विकास की, अगर हमारी सोच धर्म की है और हमारी सोच है संप्रदाय की, हमारी सोच है झगड़े की, हमें तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी, आम लोगों के लिए सोचना होगा और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं पे काम करना होगा, तो सभी काम पॉसिबल है। बजट की कमी नहीं है, सरकार की नियत नहीं। ठीक है पूनम जी, आप अपना आखिरी अपील कर लीजिए, मैंने आपको रोका था, आप अपील कर लीजिए। हाँ देखिए मेरी अपील ये है कि जनता को अभी जो वोट करना है वो
धर्म के नाम पर ना करके विकास के नाम पे करें, आम लोगों को चुन के लेके आए जो साफ छवि के लोग हों और आके जनता के बीच से चुन के आए और आप लोगों के लिए काम करें। बस मेरी यही आप लोगों से प्रार्थना, अगर आप अच्छे जनप्रतिनिधि लाएंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका काम नहीं होगा और हमारा गुड़गांव सुंदर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप हमारे साथ आए, हमने अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें द ग्राउंड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।